गुड मॉर्निंग बच्चों। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। हम लोगों ने देखा था कि नॉन आइडियल सॉल्यूशंस दो तरह के होते हैं, ठीक है। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस कौन कौन से, एक जो राउल्ट्स लॉ से पॉजिटिवली डेविएशन दिखाए, एक जो राउल्ट्स लॉ से नेगेटिव डेविएशन दिखाए। क्लियर होती है बात की, ठीक है। इतना हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। अब आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट एज़ोट्रोपिक मिक्सचर्स, ठीक है। यहां से भी क्वेश्चंस कभी कभी आ जाते हैं, तो इसको हम कम इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं मानेंगे, ठीक है। हम बात करेंगे आज की क्लास में अबाउट एज़ोट्रोपिक मिक्सचर्स। इनको पढ़ने के लिए आपको नॉन आइडियल सॉल्यूशंस को अच्छे से जानना जरूरी है, जो कि हम इससे पहले वाली वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। आपको यह भी पता होना चाहिए कि पॉजिटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन कैसे बनते हैं और नेगेटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन कैसे और कब बनते हैं। उनके ग्राफ भी आपको पता होने चाहिए, तभी अच्छे से समझ में आएगी इसकी बात, ठीक है। तो मैं आपको एज़ोट्रोपिक मिक्सचर्स को समझाऊं, उससे पहले मैं कुछ पॉइंट्स लिख रहा हूं एज़ोट्रोपिक मिक्सचर्स के बारे में, ठीक है। फिर उन पॉइंट से हम डेफिनेशन बनाएंगे और साथ में समझेंगे भी कि एज़ोट्रोपिक मिक्सचर्स क्या होते हैं। तो सुनेंगे ध्यान से, मैं कुछ पॉइंट्स लिखने जा रहा एज़ोट्रोपिक मिक्सचर्स के। सबसे पहली बात कि एज़ोट्रोपिक मिक्सचर्स आर दी बाइनरी सॉल्यूशन। क्या कहा मैंने, एज़ोट्रोपिक मिक्सचर्स आर दी बाइनरी सॉल्यूशन। क्या होती है बाइनरी सॉल्यूशन, पढ़ चुके हैं हम पिछली क्लासेस में। बाइनरी सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशन होते हैं जिसमें एक सॉल्यूट हो, ठीक है, साथ में एक सॉल्वेंट हो, उसी को कहते थे बाइनरी सॉल्यूशन, है ना। अब एक से ज्यादा सॉल्यूट हैं तो कंपोनेंट तीन हो जाएंगे, ट्राइनरी सॉल्यूशन, टेट्रानरी सॉल्यूशन, इस तरह बनेंगे। हमें किसकी बात करनी है, बाइनरी सॉल्यूशंस की, क्लियर, बहुत बढ़िया। अच्छा, सेकंड, जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट का फिक्स कंपोजिशन हो। अब इसका क्या मतलब है समझेंगे अभी, जिसमें अभी इतना ध्यान रखें कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट का फिक्स कंपोजिशन हो, मतलब ऐसा नहीं कि कितना ही सॉल्यूट ले लें कितना ही सॉल्वेंट ले लें, है ना, और हम उम्मीद कर लें कि एज़ोट्रोपिक मिक्सचर बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा। एक्चुअली में क्वांटिटी फिक्स होगी सॉल्यूट और सॉल्वेंट की। क्लियर हो रही है कुछ कुछ बात में, कुछ कुछ क्लियर हो रहा होगा, है ना, अभी बात करेंगे, टेंशन नहीं लेना। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना, जो बॉइल हो जाए एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना। और ये होगा कब, ये होगा कब समझाऊंगा अभी, ये होगा कब, जब मोल फ्रैक्शन ऑफ, इसको ऐसे लिख रहा हूं मैं, है ना, और इसको बी से लिख रहा हूं, ऐसे लिखते हैं ना, कब होगा ऐसा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बराबर हो किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के, मतलब क्या है सर इसका, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड स्टेट। जीटा ए क्या होता था, मोल फ्रैक्शन, ध्यान से सुनना, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड स्टेट बराबर हो वाई ए, किसको बता रहे हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर स्टेट। अरे अभी समझ में आएगा, घबराओ मत, केवल मतलब समझो, अभी मैं लिख रहा हूं उसको समझो, है ना, अभी याद करने के लिए लिख रहा हूं मैं आपको, ठीक है। मैं क्या कह रहा कि बाइनरी सॉल्यूशन फिक्स कंपोजिशन हो, सेम टेम्परेचर पर बॉइल हो, है ना, और जिसमें ए का मोल फ्रैक्शन जो लिक्विड स्टेट में है वो बराबर आए किसके, ए के मोल फ्रैक्शन के जो उसका वेपर फेज में है। सिमिलरली बी का मोल फ्रैक्शन जो लिक्विड स्टेट में है बराबर आए बी का मोल फ्रैक्शन जो वेपर स्टेट में है। क्लियर है बात मेरी, ठीक है। अगर ऐसा होगा तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम क्या कहेंगे, एज़ोट्रोपिक मिक्सचर। सर कुछ भी समझ में नहीं आया आपने क्या लिखा, है ना, कुछ कुछ बात एक दो परसेंट दिमाग में घुसी होगी, 1-2%, है ना, बाकी तो सर सब साफ है। अब सुनो, मतलब समझो इन सबका क्या है, सुनो, मैंने क्या किया, मैंने एक सॉल्यूशन बनाया, ठीक है, अब सुनना ध्यान से, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। मैंने एक सॉल्यूशन बनाया, है ना, सॉल्यूशन बनाया, इसमें दो कॉम्पोनेंट है, जस्ट इमेजिन, एक है ए एक है बी, ये कंटेनर को कर दिया बंद, क्लियर है बात मेरी। इसमें कौन कौन से कॉम्पोनेंट है, ए और बी, क्लियर है, बाइनरी सॉल्यूशन, ठीक है। अच्छा, अब जस्ट इमेजिन, मैंने कहा कि जो ए है इसका बॉइलिंग पॉइंट था 50 डिग्री सेंटीग्रेड, ऐसे मान लिया मैंने, है ना, और जो बी है इसका बॉइलिंग पॉइंट था 55 या 75 डिग्री सेंटीग्रेड, कुछ भी ले लो, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग था, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात। एज़ोट्रोपिक मिक्सचर्स क्या होंगे, एज़ोट्रोपिक मिक्सचर्स वो मिक्सचर होंगे जो कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर बॉइल कर जाए,
व्हाट डज इट मीन सर? मतलब देखो, अगर मैं अभी इसको बॉइल करना शुरू करूं, हीट करना शुरू करूं, तो पहले 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा इसका, उसके बाद ही तो 75 होगा ना। अरे हीट करूंगा 10 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ, 20 हुआ, फिर उसके बाद 50 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, ऐसा होगा तो एक बॉइल होना शुरू हो जाएगा, हाँ है ना, एक ही वेपर्स बनना शुरू हो जाएंगी, क्लियर है बात मेरी। फिर थोड़ी देर बाद जब टेम्परेचर 75 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो बी के भी वेपर बनने लग जाएंगे, क्लियर है बात मेरी। यानी कि अभी इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अलग अलग है, बट मैंने क्या किया एक ही और बी की क्वांटिटी को फिक्स कर दिया। मतलब कुछ ऐसी क्वांटिटी ले आया। अब ध्यान से सुनो, फिक्स कंपोजिशन का क्या मतलब है कि मैं कोई ऐसी क्वांटिटी ले आया जिस पर ना तो ये मिक्सचर, ना तो ए 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉइल हो रहा, ना भी 75 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉइल हो रहा, इवन इन दोनों ने अपने बॉइलिंग पॉइंट्स को खो दिया और एक नया बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का। मतलब अब उस पर्टिकुलर बॉइलिंग पॉइंट पर ए भी बॉइल हो रहा और बी भी बॉइल हो रहा, क्लियर हो रही है बात। जस्ट इमेजिन, हमने कहा कि कुछ ऐसा कंपोजिशन हमने फिक्स किया कि इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट ना 50 रहा ना 75 रहा, ये हो गया 48 डिग्री सेंटीग्रेड, दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से कम हो गया, क्लियर हो गई बात मेरी। थोड़ा गुस्सा होगा दिमाग में, दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से कम हो गया, 48 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, क्लियर है। या जस्ट इमेजिन कि दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा हो गया, कितना हो गया, 77 या 76 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, क्लियर हो गई बात मेरी। कुल मिला के दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट है, वो सेम है, क्लियर है बात मेरी, ठीक है। ऐसे मिक्सचर्स को हम क्या कहेंगे, एज़ोट्रोपिक मिक्सचर्स। अब ऐसा होगा कब एक फिक्स्ड कंपोजिशन पर। मतलब ऐसा नहीं है कि ए और बी को आपने मिला दिया तो हमेशा ये ऐसा कर देंगे कि इन दोनों का सॉल्यूशन 48 पर या 77 पर बॉइल करने लगेगा। कुछ बात समझ में आ रही है, ऐसा हमेशा नहीं होगा कि इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट 48 डिग्री सेंटीग्रेड या 77 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉइल होने लगेगा, क्लियर हो गई बात मेरी। दोनों का बॉइलिंग पॉइंट किसी भी कंपोजिशन पर सेम हो जाएगा ना, ऐसा नहीं होगा, एक फिक्स्ड कंपोजिशन होगी जिस पर ये काम होगा, एक फिक्स कंपोजिशन। मतलब क्या मेरा कि मैंने बी में या ए में, ये सॉल्वेंट है, ए में बी मिलाना शुरू किया, ठीक है, मिलाता गया और बॉइलिंग पॉइंट मेजर करता गया, तो एक फिक्स क्वांटिटी में एक फिक्स कंपोजिशन ऐसा आएगा जब बी का और ए का बॉइलिंग पॉइंट सेम आ जाएगा। एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेते हैं जब समझ में आएगी अच्छे से, एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेते हैं, है ना, मैं बताऊंगा आपको, एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेते हैं। मैं बात करूं, मैंने मिक्सचर लिया C2H5OH का और इसमें मिलाया वाटर, यहां बात समझ में आ जाएगी आपको। मैंने क्या कहा, मैंने C2H5OH लिया, साथ में क्या मिलाया इसमें, वाटर, ठीक, अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, है ना, मिला दिया, कंटेनर को कर दिया बंद, क्लियर हो गई बात मेरी। अच्छा, अब मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग मेजर किया। मेजर करने पर इसका बॉइलिंग पॉइंट आता है ऑलमोस्ट 75 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना, और 78 डिग्री सेंटीग्रेड एक्चुअली, और H2O का बॉइलिंग पॉइंट तो दुनिया जानती है पूरी 100 डिग्री सेंटीग्रेड, क्लियर हो रही है बात मेरी। तो जब मैं इसको हीट किया, तो हीट करने पर पहले 78 डिग्री सेंटीग्रेड जब टेम्परेचर आएगा तो C2H5OH बॉइल होने लगेगा, H2O कंटेनर में रहेगा, जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा तो H2O भी बॉइल होने लगेगा, क्लियर हो रही है बात मेरी, ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब सुनो आगे बात को ध्यान से, मैंने क्या किया, C2H5OH को इसमें बढ़ाना शुरू कर दिया। मान लो पहले ये 5% था, ठीक है, मैंने और बढ़ाया C2H5OH को, बढ़ाकर कर दिया मैंने 95%, C2H5OH कितना, 95%। तो जब ये 95% हो जाएगा तो ऐसा एक्सपेरिमेंटली पाया गया कि इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि अब 78 था इसका 100 था, इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अब ये नहीं रहता, अब ये दोनों एक नए टेम्परेचर पर बॉइल होने लग जाते हैं, विच इज 77.5 डिग्री सेंटीग्रेड। कुछ बात समझ आ रही कि एक फिक्स्ड कंपोजिशन पर ऐसा हुआ जब मैंने C2H5OH कितना लिया, 95%, क्लियर है, तभी ऐसा हुआ जब ये 94% था या 90% था या 75% था या 60% या 10% था, 20% था, तब ऐसा नहीं हो रहा था, तब वो 78 पर बॉइल हो रहा था, तब वो 100 पर बॉइल हो रहा था, लेकिन जैसे ही 95% हुआ, अब ये क्यों हुआ वो देखते हैं थोड़ी देर में, पर जैसे ही ये 95% हुआ
जैसे ही 95% हुआ तो ए और बी यानी कि एथेनॉल और वाटर एक सेम टेम्परेचर पर बॉइल होने लगे। क्लियर है बात मेरी? ऐसे मिक्सचर्स को हम क्या कह रहे हैं? एजोट्रॉपिक मिक्सचर। कुछ बात समझ में आई होगी, एक बार फिर से सुन लें। मैंने कहा कि एजोट्रॉपिक मिक्सचर्स आर दी बाइनरी सॉल्यूशन जिसमें एक सॉल्यूट हो और एक सॉल्वेंट हो, है ना। इनमें कंपोजिशन क्या होगी? फिक्स। फिक्स समझ रहे हो ना कि आपको 95% ही लेना पड़ेगा। जैसे मैं बात करूं HNO3 और वाटर की, HNO3 प्लस वाटर की, ये दो फेमस एग्जांपल है, NCERT में गिवन है ना, यही दो एग्जांपल से समझाई और उन्होंने सारी कहानी। अब मैंने क्या कहा, HNO3 और वाटर इन दोनों को मिलाया, तो मिलाने पर जैसे ही HNO3 का कंपोजिशन कितना हुआ, 68%, तो ये दोनों भी एक सेम टेम्परेचर पर बॉइल होने लगे। कुछ कुछ बात समझ आ रही, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ऐसे मिक्सचर्स को हम क्या कहेंगे? एजोट्रॉपिक मिक्सचर। एजोट्रॉपिक मिक्सचर। एक और बात कि सर इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड, है ना, और मोल बराबर होगी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज, है ना, और सिमिलरली जीटा बी इज इक्वल्स टू वाई बी लिखा, इसका मतलब क्या है? सुन जस्ट इमेजिन, वापस से मेरे पास वही दो कंपोनेंट आ गए ए और बी। कौन कौन से? ए प्लस बी। अब सुनो जस्ट इमेजिन कि ये एजोट्रॉपिक मिक्सचर पता कब बनेगा? सुनो, फिक्स कंपोजिशन होगी तो होगा क्या? फिक्स कंपोजिशन, उस पर्टिकुलर कंपोजिशन पर ऐसा क्या हो रहा? ध्यान से, उस पर्टिकुलर कंपोजिशन पर सर जिसकी आप बात कर रहे हैं, वहां ऐसा क्या हो रहा? ऐसा क्या हो रहा कि वो दोनों एक ही टेम्परेचर पर बॉइल हो रहे? तो ऐसा क्या होता है? सुनो कि मेरे पास है ए, मेरे पास है बी, दो कंपोनेंट है। क्लियर होती है बात मेरी? कोई दिक्कत? अच्छा, अब सुनो, यहां पर ए का कुछ मोल फ्रैक्शन होगा जीटा ए, है ना। जस्ट इमेजिन मैंने माना 0.5 है या 0.7 है। क्लियर होती है बात मेरी? और जीटा बी कितना है इस लिक्विड में? ऑब्वियसली 0.3। बोलो, कोई दिक्कत वाली बात? अरे भाई, लिक्विड की बात कर रहा हूं मैं, लिक्विड की। जीटा ए कितना? 0.7, है ना, और जीटा बी इस लिक्विड में कितना? 0.3। अब ये फिक्स कंपोजिशन पर होता क्या है कि वेपर में, यहां वेपर होगी ए और बी की, हाँ है ना, वेपर प्रेशर बनेगा तो वेपर भी होगी। इस फिक्स्ड कंपोजिशन पर होता क्या है कि वेपर में जो ए का मोल फ्रैक्शन है, अरे वेपर स्टेट में भी तो होगा कुछ ए का मोल फ्रैक्शन, है ना, वो उतना ही हो जाता है जो कहां पर है, लिक्विड में। यानी कि वाई ए कितना हो जाएगा? 0.7। वाई का मतलब मोल फ्रैक्शन इन वेपर। क्लियर हो रही है बात मेरी? सिमिलरली वाई बी कितना हो जाएगा? 0.3। बोलो, क्लियर होती है बात? ठीक है, फिर से सुन ले एक बार। इसका मतलब क्या है कि देखो भैया, बहुत सीधी सी बात है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, है ना, इन लिक्विड बराबर होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज। अरे वेपर में ए और बी होंगे कि नहीं होंगे? सही है, जब मोल फ्रैक्शन दोनों का सेम हो जाए, वेपर स्टेट का लिक्विड स्टेट का, वेपर स्टेट में ए का लिक्विड स्टेट में ए का, सिमिलरली वेपर स्टेट में बी का लिक्विड स्टेट में बी का, तब ही क्या बनेगा? एजोट्रॉपिक मिक्सचर। और ऐसा कब होगा? एक पर्टिकुलर कंपोजिशन पर, एक पर्टिकुलर कंपोजिशन पर होगा ऐसा। ऐसा नहीं कि कोई भी परसेंटेज में आपने सॉल्यूशन बना दिया तो ऐसा हो जाएगा, ना, ऐसा नहीं होगा। एक फिक्स कंपोजिशन पर ये चीज होगी और ये चीज होगी तो ये चीज होगी। क्लियर हो रही है बात मेरी? फिर से, एक फिक्स कंपोजिशन पर ये मोल फ्रैक्शन ए के, मोल फ्रैक्शन ए के लिक्विड स्टेट में, मोल फ्रैक्शन ए के वेपर स्टेट में बराबर आएंगे। क्लियर हो रही है बात मेरी? इसी तरह बी के लिक्विड में मोल फ्रैक्शन और बी के गैसियस स्टेट में, वेपर में मोल फ्रैक्शन बराबर आएंगे एक फिक्स कंपोजिशन पर। और अगर ऐसा होता है तो ये बॉइल करेगा एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। क्लियर होगी? मेरे को पता है अभी भी कंफ्यूजन है बहुत सारे, है ना, क्लियर होंगे आगे, पूरा वीडियो देखना आराम से, सब समझ में आ जाएगा, है ना। तो मैंने क्या कहा, ये दोनों कंडीशन जब पूरी होंगी तो ये जो मिक्सचर है ये सेम टेम्परेचर पर बॉइल होने लगेगा। क्लियर इतना? बहुत बढ़िया। अच्छा, एक और चीज कि जब ये मिक्सचर सर सेम टेम्परेचर पर बॉइल हो जाए तो क्या आप इन दोनों को सेपरेट करने के लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज ले सकते हो? नहीं, यानी कि दीज मिक्सचर्स आर कांट बी सेपरेट बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्या लिखा मैंने? कांट बी सेपरेट बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। कुछ बात समझ आ रही होगी, समझाता हूं इसको भी, क्या मतलब है इसका। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पढ़ा है, 9th में भी पढ़ा था सर, 11th में भी पढ़ा था सर, याद नहीं है। सुनो, क्या होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कि भैया दो लिक्विड है, है ना, वही ले लेते हैं एथेनॉल और वाटर, C2H5OH प्लस
वाटर। अब मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, यहाँ एक नली लगा दी बढ़िया सी और यहाँ एक कंटेनर रख दिया, ठीक है। मैंने क्या किया, हीट देना शुरू किया, है ना, हीट देना शुरू किया। अभी मैंने बताया C2H5OH का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 78 डिग्री सेंटीग्रेड अप्रोक्सीमेट। वाटर का कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर मैं 78 डिग्री सेंटीग्रेड इस कंटेनर का टेम्परेचर कर दूं तो क्या होगा, तो सर ये होगा कि C2H5OH बॉइल होने लग जाएगा, यही होगा ना, ये बॉइल होने लग जाएगा। और बॉइल होकर कहाँ जाएगा, इधर इधर, और लास्ट में कहाँ इकट्ठा होने लगेगा, इसमें जो दूसरा आपने कंटेनर रखा है, क्लियर है बात मेरी, कब, 78 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है। जब ये पूरा इकट्ठा हो जाएगा, निकल जाएगा, तो टेम्परेचर बढ़ाओ 100 डिग्री सेंटीग्रेड कर दो, तो अब आप वाटर को वेपर में कन्वर्ट करने लग जाओगे। अरे ऐसे ही होता है ना फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, दो लिक्विड को, दो मिसिबल लिक्विड को सेपरेट करने के लिए जिस टेक्निक का हम यूज करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। आपको समझ में आ रहा होगा कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन तब ही वर्क करेगा जब इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस हो, है इसका 78 है, इसका 100 है। लेकिन अभी मैं क्या कह रहा है, अभी मैं क्या कह रहा कि भाई ऐसा होगा एज़ोट्रोपिक मिक्सचर्स में कि ये दोनों कांस्टेंट टेंपरेचर पर बॉईल होने लगेंगे, है ना, यानी कि जो बॉइलिंग पॉइंट अब इसका वही बॉइलिंग पॉइंट अब इसका, क्लियर है बात मेरी, एक फिक्स कंपोजिशन पर, एक फिक्स कंपोजिशन पर। अभी मैंने बताया था कि कितना हो जाएगा, 77.5 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या अब आप इन्हें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हो, नहीं कर सकते सर, नहीं कर सकते, क्लियर हो रही है बात मेरी। अब इन्हें हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। ये खास बात होती है एज़ोट्रोपिक मिक्सचर्स की, एक बार पूरी डेफिनेशन को सुन लो कि ऐसे बाइनरी सॉल्यूशन जिनका फिक्स कंपोजिशन हो, फिक्स कंपोजिशन मतलब समझा ना आपने अभी, ठीक है, और बॉइल हो एट कांस्टेंट टेंपरेचर, और जिनके मोल फ्रैक्शन एक लिक्विड में मोल, जिनका जिनमें मोल फ्रैक्शन दोनों ही कंपोनेंट के लिक्विड और वेपर स्टेट में बराबर आ जाए, और साथ में जिन्हें हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट ना कर पाए, ऐसे मिक्सचर्स क्या कहलाते हैं, एज़ोट्रोपिक मिक्सचर्स। क्लियर होती है बात, ठीक है। तो हमने डेफिनेशन को थोड़ा सा समझा कि एज़ोट्रोपिक मिक्सचर्स क्या होती हैं, है ना। चलिए अब हम बात करते हैं एज़ोट्रोपिक मिक्सचर्स के टाइप की, है ना। यहाँ समझा हमने कि एज़ोट्रोपिक मिक्सचर्स एक्चुअली में होते क्या है, है ना। अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ एज़ोट्रोपिक मिक्सचर्स। तो भैया दो तरह के होते हैं एज़ोट्रोपिक मिक्सचर्स, दो तरह के होते हैं, कौन कौन से, ध्यान से सुनेंगे, कौन कौन से। एक होगा मिनिमम, या पहले मैक्सिमम ले लेते हैं, एक होगा मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एज़ोट्रोपिक मिक्सचर, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एज़ोट्रोपिक मिक्सचर, ठीक है। इसमें एग्जांपल ले लें, इसका एग्जांपल लिख देते हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एज़ोट्रोपिक मिक्सचर में आ जाएगा वही एथेनॉल वाला एग्जांपल, 95% C2H5OH को मिलाया किसमें, वाटर में, ठीक है। तो जो एज़ोट्रोपिक मिक्सचर आएगा वो कैसा आएगा, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट का एग्जांपल है ये, आई एम सॉरी मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एज़ोट्रोपिक मिक्सचर। एग्जांपल कौन सा लिया, 95% C2H5OH प्लस वाटर, घबराओ मत, समझ में आएगा अभी, है ना। दूसरा मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एज़ोट्रोपिक मिक्सचर, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एज़ोट्रोपिक मिक्सचर, इसमें एग्जांपल अभी लिया था हमने, 68% HNO3 प्लस वाटर। अब देखो कंपोजिशन फिक्स है ना, कंपोजिशन फिक्स है, 95% C2H5OH प्लस वाटर का मिक्सचर होगा तो वो एक एज़ोट्रोपिक मिक्सचर होगा, और कौन सा टाइप होगा, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, समझेंगे अभी मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट का क्या मतलब है ना। फिक्स कंपोजिशन वाला मामला समझ में आना चाहिए कि कंपोजिशन जब फिक्स होगी तभी ये काम होगा, है ना। ऐसा नहीं कि एथेनॉल और वाटर को किसी भी कंपोजिशन में मिला दिया, मिलाने पर आपको एज़ोट्रोपिक मिक्सचर मिल जाएगा ना, फिक्स कंपोजिशन पर मिलेगा, क्लियर है बात मेरी। और वो क्यों अभी समझ में आएगा। अच्छा मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एज़ोट्रोपिक मिक्सचर देखो, 68% HNO3 है प्लस वाटर है, है ना, तो कंपोजिशन यहां भी हमने फिक्स कर लिया, क्लियर होती है बात मेरी। अच्छा आपको ध्यान है वाटर प्लस एथेनॉल का जो सॉल्यूशन आता था वो पॉजिटिवली डेविएटेड था कि नेगेटिवली डेविएटेड था, याद करो। सिमिलरली जो हमने HNO3 और वाटर का पढ़ा था वो पॉजिटिवली डेविएटेड था या नेगेटिवली डेविएटेड था, सर ये तो था पॉजिटिव डेविएटेड, है ना, पॉजिटिव डेविएटेड, क्लियर हो गई बात मेरी। और ये कैसा, नेगेटिवली डेविएटेड, ये कैसा, नेगेटिवली डेविएटेड, बोलो क्लियर हो रही है कुछ कुछ बात। फिर से मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एज़ोट्रोपिक मिक्सचर्स वो एज़ोट्रोपिक मिक्सचर्स होते हैं
जिनमें पॉजिटिवली डेविएशन शो हो राउल्ट्स लॉ से, क्लियर है बात मेरी। और मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एज़ोट्रोपिक मिक्सचर्स वो मिक्सचर्स होते हैं जो नेगेटिवली डेविएटेड हो राउल्ट्स लॉ से। कुछ कुछ बात समझ आ रही है ना, ये तो याद करने की चीज है ना। अब ऐसा क्यों होता है ये हम क्लियर करते हैं। चलिए देखो देखो अब सारी कहानी क्लियर हो जाएगी। चलो देखो अब मैंने क्या किया, मैंने ग्राफ बनाना पसंद किया, बनाया था ना कल हम लोगों ने। मैंने कहा एथेनॉल और वाटर का ये एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने कहा कि यहाँ पर यार जो जीटा C2H5OH है वो 1 है, बनाया था ना कल इस तरह का ग्राफ, और जीटा वाटर कितना है सर 0। बोलो क्लियर बात मेरी। यहाँ पर जीटा C2H5OH कितना हो जाएगा 0, और यहाँ पर जीटा H2O कितना हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा 1। बोलो क्लियर होती है बात मेरी, बहुत बढ़िया। अच्छा इस तरफ ले रहे थे मोल फ्रैक्शन, ले लिया ना, इस तरफ ले रहे थे प्रेशर है ना। अब यहाँ पार्शियल प्रेशर होगा C2H5OH का, यहाँ पार्शियल प्रेशर होगा H2O का, यहाँ किसका C2H5OH का, नजर आ रहा होगा बोर्ड पे है ना, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं। यहाँ किसका प्रेशर लिया मैंने, प्रेशर ऑफ C2H5OH। यहाँ किसका प्रेशर लिया मैंने सर, प्रेशर ऑफ वाटर। किसका प्रेशर लिया सर, प्रेशर ऑफ वाटर, ठीक है। अच्छा आप सुनो, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जहां पर C2H5OH का मोल फ्रैक्शन 1 है मैक्सिमम होगा इसका प्रेशर, सिमिलरली यहां पर H2O का जो प्रेशर होगा वो मैक्सिमम होगा। क्लियर हो रही है बात मेरी, इससे कुछ कम आता है ना, इससे कुछ कम आता है। अच्छा सुनो सुनो, आपने ग्राफ बनाया था कल, आपने ग्राफ बनाया था, अगर ये आइडियल सॉल्यूशन होता, सुनना ध्यान से, अगर ये आइडियल सॉल्यूशन होता तो थोड़ा नीचे ले लेते हैं, अगर ये आइडियल सॉल्यूशन होता तो ग्राफ कुछ इस तरह का होता। बोलो हाँ है ना, मैं पी टोटल का ग्राफ बना रहा हूँ, कुछ इस तरह का ग्राफ होता, पर क्या ये आइडियल सॉल्यूशन है? नहीं सर, ये तो पॉजिटिवली डेविएटेड होता है, कौन सा C2H5OH+H2O का। अब पॉजिटिवली डेविएटेड होता है तो ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा। अरे हाँ कि ना, ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा। क्लियर हो गई बात मेरी, ठीक है। और थोड़ा अच्छे से बनाते हैं इसको, और थोड़ा अच्छे से बनाते हैं, समझाने के लिए है, थोड़ा इस तरह से बनेगा कि भैया पॉजिटिवली डेविएशन शो कर रहे हैं। क्लियर होती है बात मेरी, कोई दिक्कत यहां तक? बहुत बढ़िया, आप सुनो 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 सुनो, जरा देखो ये किसका प्रेशर है, ये किसका प्रेशर है C2H5OH का। क्लियर हो रही है बात मेरी, ये किसका प्रेशर है H2O का, क्लियर। अच्छा आपने जब दोनों को मिलाया तो इनके पार्शियल प्रेशर या टोटल प्रेशर जो सॉल्यूशन का था वो इंक्रीज होने लग गया, हाँ कि ना। अरे सॉल्यूशन का टोटल पॉजिटिवली डेविएटेड है, सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर इंक्रीज करने लग गया, सही बात है, इंक्रीज करने लग गया। अब जैसे जैसे ध्यान रखो, ध्यान दो इधर, जैसे जैसे मैं वाटर मिला रहा हूं, जैसे जैसे मैं वाटर मिला रहा हूं, ग्राफ देखना ध्यान से, जैसे जैसे मैं वाटर मिला रहा हूं वैसे 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 C2H5OH यानी कि मिक्सचर का जो प्रेशर है वो इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। बोलो हाँ है ना, पी टोटल जैसे जैसे मैं H2O मिलाता जा रहा हूँ, मिलाता जा रहा हूँ, मिलाता जा रहा हूँ, तो ये प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, सही बात है। अब एक फिक्स्ड कंपोजिशन आएगा यहाँ कहीं, यहाँ कहीं एक फिक्स्ड कंपोजिशन आएगा जब सॉल्यूशन का, ये पी टोटल था, क्या था ये पी टोटल, जब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर मैक्सिमम आएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन बोली है मैंने इस पूरे लेक्चर की। मैंने क्या कहा कि एक ऐसा कंपोजिशन आएगा, ये क्या बता रहा कंपोजिशन है ना, एक ऐसा कंपोजिशन आएगा जब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर यानी कि पी टोटल मैक्सिमम आएगा। एक पीक पॉइंट आएगा कि नहीं आएगा यहाँ पे, यहाँ कहीं आ रहा, क्लियर हो रही है बात मेरी, ठीक है। एक्चुअली में ये जो कंपोजिशन है C2H5OH2O के केस में, ये कब आती है जब 95% C2H5OH हो, बात समझ में आ रही, और 5% वाटर, यानी कि आपने वाटर मिलाना शुरू ही किया है, तब ये फिक्स्ड कंपोजिशन आएगी। और इस केस में इसका जो प्रेशर होगा, सॉल्यूशन का जो प्रेशर होगा वो कैसा होगा, मैक्सिमम, क्लियर है बात मेरी। फिर बाद में डिक्रीज करने लग जाएगा और वाटर ऐड किया तो आपने, क्लियर होती है बात मेरी, कोई दिक्कत। चलिए अब एक ग्राफ में बना रहा, ध्यान से सुनिएगा, एक ग्राफ में बना रहा, ध्यान से सुनिएगा, एक ग्राफ में बना रहा पार्शियल प्रेशर और टेम्परेचर के भी, बॉइलिंग पॉइंट के, इनके बॉइलिंग पॉइंट है ना, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ C2H5OH ले लेते हैं इधर, और इधर ले लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का ग्राफ बनाते हैं। टेम्परेचर इधर लिया, टेम्परेचर, और इधर ले लेते हैं प्रेशर, है ना, इनके प्रेशर, सुनना ध्यान से, इनके प्रेशर और टेम्परेचर का ग्राफ बनाते हैं, ध्यान से सुनना। जस्ट इमेजिन ये ग्राफ किसके लिए है, C2H5OH के लिए,
और ये ग्राफ किसके लिए है, वाटर के लिए। बोलो क्लियर होती है बात मेरी। अच्छा अभी मैंने बताया C2H5OH का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, सर ये होता है लगभग लगभग कितना 78 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इतना। क्लियर हो रही है बात मेरी। वाटर का कितना होता है सर, इतना। क्लियर हो रही है बात मेरी, मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड, थोड़ा ऊपर आएगा ना इससे, है ना। अच्छा आप सुनो, जब आप जैसे जैसे टेम्परेचर रेस करोगे, ध्यान से सुनना, जैसे जैसे टेम्परेचर रेस करोगे, या ऐसे सुनो, ऐसे सुनो, ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा कि जस्ट इमेजिन आप जो ये प्रेशर है, अब यहां से देखो इंक्रीज हो रहा इनकी कंपोजिशन, जैसे जैसे इंक्रीज हो रही, सही बात है, इनकी कंपोजिशन जैसे जैसे इंक्रीज हो रही, हम मोल फ्रैक्शन का बनाए क्या बेटा, आई एम सॉरी, यहाँ मोल फ्रैक्शन का ग्राफ बनता है, आई एम रियली सॉरी, मोल फ्रैक्शन का बनेगा। सुनो 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 फिर से, मैंने क्या कहा, जैसे जैसे आप C2H5OH की मोल फ्रैक्शन को डिक्रीज कर रहे हैं, C2H5OH की मोल फ्रैक्शन को डिक्रीज कर रहे हैं, है ना, वैसे वैसे प्रेशर इंक्रीज होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा कि नहीं हो रहा। अरे जैसे जैसे आपने C2H5OH की मोल फ्रैक्शन को डिक्रीज किया, आप देखो ना जरा, मोल फ्रैक्शन C2H5OH का डिक्रीज कर रहा है, निकाल दो आप उसको, वैसे वैसे ये जो प्रेशर है, वैसे वैसे ये जो प्रेशर है वो प्रेशर डिक्रीज कर रहा है, हाँ है ना, इंक्रीज कर रहा है, आई एम सॉरी, वैसे वैसे प्रेशर इंक्रीज कर रहा है। क्लियर हो रही है बात मेरी। सिमिलर मैनर में मैं ये भी कह सकता हूँ कि यहाँ जैसे जैसे आप H2O का मोल फ्रैक्शन बढ़ा रहे, H2O का मोल फ्रैक्शन बढ़ा रहे, वैसे वैसे जो सॉल्यूशन का प्रेशर है, आई रिपीट, सॉल्यूशन का प्रेशर है वो इंक्रीज कर रहा है, एक टाइम आने के बाद वो डिक्रीज करना शुरू कर जाता है, पर शुरू में तो यही हो रहा है। क्लियर हो गई बात मेरी, ठीक है। अच्छा अब इसको यहाँ देखो, मैंने कहा कि जैसे जैसे मैं मोल फ्रैक्शन C2H5OH का बढ़ा रहा, वैसे वैसे इसका प्रेशर इंक्रीज कर रहा, पार्शियल प्रेशर इंक्रीज कर रहा। अच्छा पार्शियल प्रेशर इंक्रीज कर रहा, इसका मतलब क्या है, समझा सकते हो आप मुझे, पार्शियल प्रेशर इंक्रीज कर रहा है इसका मीनिंग क्या है, आप बता सकते हो मुझे कि सर इसका बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कर रहा, हाँ या ना। अरे बॉइलिंग पॉइंट जितना कम होगा उतना अच्छा इवेपोरेशन होगा, सही बात है, उतना ज्यादा पार्शियल प्रेशर होगा उस कंपोनेंट का, समझा था ना हमने पहले, ठीक है। तो यहाँ यही तो हो रहा, यहाँ पर जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन C2H5OH का इंक्रीज कर रहे, पार्शियल प्रेशर इंक्रीज हो रहा, मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट कुछ डिक्रीज हो जाएगा, होगा या नहीं होगा, क्लियर बात मेरी। सिमिलर मैनर में जैसे जैसे H2O का मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा, अब H2O का मोल फ्रैक्शन कहां बढ़ रहा है, इस साइड, क्लियर हो गई बात मेरी, इस साइड बढ़ रहा H2O का मोल फ्रैक्शन, अब जैसे जैसे H2O का मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा, वैसे वैसे H2O का पार्शियल प्रेशर बढ़ रहा, जब तो P टोटल बढ़ रहा, क्लियर हो गई बात मेरी, ठीक है। और एक पर्टिकुलर कंपोजिशन पर आकर ये प्रेशर इसके बराबर हो जा रहा C2H5OH के, या फिर ऐसा कह दो कि ये जो प्रेशर है ये मैक्सिमम हो जा रहा, क्लियर है बात मेरी, कुछ इस टेम्परेचर पर, क्लियर हो गई बात मेरी, इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। आगे जाओगे तो और भी कुछ होगा, क्लियर हो गई बात मेरी। और देखो अच्छे से, यहां मैं नीचे बना रहा हूं इस ग्राफ को नीचे बना रहा हूं, है ना, ये सब मिटा दूं यहां से, ध्यान से देखो, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान से देखो, वीडियो के लास्ट तक समझ में आएगा। सुनो, यहां पर ग्राफ बना रहा हूं मैं, एक और, है ना, छोटा सा जगह का मैं एक और ग्राफ बना रहा हूं, यहां क्या लिया मैंने, प्रेशर, है ना, टेम्परेचर, आई एम वेरी सॉरी, यहां लिया टेम्परेचर और यहां लिया मोल फ्रैक्शन। अब सुनो, जैसे जैसे इसका प्रेशर बढ़ेगा, मान लो ये इसका बॉइलिंग पॉइंट था और ये इसका बॉइलिंग पॉइंट था, ठीक है, वाटर का, ये C2H5OH का, अब जैसे जैसे इसका प्रेशर बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा, तो मैंने कहा कि इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जाकर इसी को आगे बढ़ाया मैंने, इसका बॉइलिंग पॉइंट ये हो गया, किसका C2H5OH, क्लियर है बात मेरी, ठीक है, डिक्रीज करेगा ना बॉइलिंग पॉइंट C2H5OH का। सिमिलरली वाटर का बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज करेगा, क्लियर हो गई बात मेरी। तो मैंने कहा कि एक पॉइंट पर जाकर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कुछ ये हो जाएगा, क्लियर हो गई बात मेरी, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, अब इसके बाद तो बढ़ना शुरू हो जाएगा, खैर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर दोनों के बॉइलिंग पॉइंट सेम हो गए, हाँ है ना, और ये दोनों के जो बॉइलिंग पॉइंट आए वो इनके एक्चुअल बॉइलिंग पॉइंट से कुछ कम आए, हाँ या ना, एक्चुअल बॉइलिंग पॉइंट से कम आए, मतलब पहले ये बॉइल हो रहा था वाटर 100 पर, ये बॉइल हो रहा था 78 पर, अब कुछ कम टेम्परेचर पर बॉइल होंगे और दोनों एक ही टेम्परेचर पर बॉइल होंगे, इंपॉर्टेंट बात है, ये टेम्परेचर होता है इनके लिए 77.5 डिग्री सेंटीग्रेड,
बोलो बात क्लियर हुई 77.5 डिग्री सेंटीग्रेड क्लियर हुआ इतना। अच्छा तो आगे हम बात करें कि इसी मिक्सचर को हमने क्या कह दिया मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एज़ोट्रोपिक मिक्सचर क्योंकि इनका बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया दोनों का। क्लियर है बात करिए और सिंगल बॉइलिंग पॉइंट पर ये जो है अब बॉइल होना शुरू कर जाएंगे फिक्स्ड कंपोजिशन पर। ये होगा कब जब कंपोजिशन फिक्स होगी जीटा फिक्स है भाई यहाँ पे क्लियर होगी ये बात मेरी ठीक है तभी होगा ये ठीक है। अच्छा तो ऐसे मिक्सचर क्या कहलाएंगे मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एज़ोट्रोपिक मिक्सचर। और सेकंड हम बात करते हैं अबाउट मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एज़ोट्रोपिक मिक्सचर्स के बारे में ठीक है। इसको भी समझने की कोशिश करना। देखो सुनो ध्यान से मैंने कहा ग्राफ बनाते हैं पहले ग्राफ बनाते हैं मैंने कहा ये HNO3 का प्रेशर है ना और यहाँ HNO3 का मोल फ्रैक्शन कितना है जीटा HNO3 कितना है यहाँ मोल फ्रैक्शन 1 यहाँ जीटा H2O कितना है 0 1 और यहाँ जीटा H2O कितना हो जाएगा 0 और यहाँ जीटा HNO3 कितना हो जाएगा बोलो 0 ठीक है कोई दिक्कत। अच्छा इसका इसमें यहाँ कहीं इसका मोल फ्रैक्शन मैक्सिमम है तो इसका प्रेशर P0 HNO3 होगा विच इज मैक्सिमम क्लियर है बात मेरी। सिमिलरली यहाँ क्या होगा P0 H2O मैक्सिमम होगा क्लियर हो रही है बात मेरी ठीक है। यहाँ पर P0 HNO3 का यहाँ आएगा P0 H2O एक्चुअली मैक्सिमम होगा ठीक है। ये किसका प्रेशर ले रहे हैं इस पर हम PH2 ठीक है। अगर ये सॉल्यूशन आइडियल होता जस्ट इमेजिन अगर ये सॉल्यूशन आइडियल होता तो ग्राफ कुछ इस तरह आता कि नहीं आता ठीक है। ये लाइन किसको बताती पी टोटल को है ना। अच्छा बट सर ये तो नेगेटिवली डेविएटेड होता है यहाँ लिख देते हैं ये किसको बताती पी टोटल को ये तो नेगेटिवली डेविएटेड होता है। नेगेटिवली डेविएटेड मतलब कि सर इन दोनों को मिलाने पर स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो जाएगी है ना। अब इन दोनों को मिलाने पर सर बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हो जाएगी तो वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा यानी कि ग्राफ कुछ इस तरह आएगा ग्राफ कुछ इस तरह आएगा सही बात है ठीक है। अब आप ध्यान से देखो एक बार और बनाते हैं इसको अब आप ध्यान से देखो कुछ किस तरह का ग्राफ आता है ध्यान से देखो तो यहां भी एक फिक्स कंपोजिशन पर ये जो वेपर प्रेशर है ये मिनिमम कर गया मतलब मिनिमम हो गया हाँ है ना। ये वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का है ये किसका वेपर प्रेशर को बता रही है लाइन सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को एक्सपेरिमेंटली निकाला तो ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर मिनिमम हो गया क्या इससे कम वेपर प्रेशर पॉसिबल है नहीं सर अब तो बढ़ने लगेगा क्लियर है बात मेरी। इतना ध्यान रखो कि एक पर्टिकुलर कंपोजिशन में इस पर्टिकुलर कंपोजिशन पर यहाँ और इस कंपोजिशन पर होगा क्या इस कंपोजिशन पर 68% क्या होगा सॉल्यूशन में HNO3 और 32% क्या होगा वाटर। ऐसा होते ही एक मिनिमम पॉइंट को अचीव कर लेगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्लियर होती है बात मेरी ठीक है कोई दिक्कत यहां तक। अच्छा अब इसमें भी हम ग्राफ बनाते हैं टेम्परेचर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का। यहां लिया टेम्परेचर ऑफ HNO3 है ना यहां लिया टेम्परेचर किसका वाटर का और यहां लिया दोनों का मोल फ्रैक्शन क्लियर हो रही है बात मेरी। अब देखो जरा मैंने कहा कि ये बॉइलिंग पॉइंट है किसका HNO3 का ये बॉइलिंग पॉइंट है किसका वाटर का ये मस्त बॉइल हो रहा था है ना इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ये मस्त बॉइल हो रहा था HNO3 इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर क्लियर हो गई है बात मेरी। मस्त बॉइल हो रहा था इस टेम्परेचर पर ये भी बढ़िया बॉइल हो रहा था एकदम इसको भी कोई जिंदगी में टेंशन नहीं थी ठीक है। बट जब आपने दोनों को मिलाना शुरू किया तो इनके बॉइलिंग पॉइंट चेंज होंगे बिल्कुल होंगे सर क्यों होंगे अरे भाई दोनों के बीच में बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हो जाएगी क्लियर हो रही है बात मेरी दोनों के बीच में बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हो जाएगी पहले के कंपैरेटिवली क्लियर है बात मेरी ठीक है। अब होगा क्या कि जैसे जैसे आप मिलाते जाओगे वाटर 32% जब आ जाएगा तो इनकी बॉन्डिंग सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी और उस केस में दोनों एक ही टेम्परेचर पर बॉइल करेंगे ना ही 100 पर करेगा ना इसके टेम्परेचर पर ही करेगा क्लियर है। अब दोनों एक ही टेम्परेचर पर बॉइल होंगे क्लियर है बात यानी कि इनके जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जाएंगे। अरे स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो गई ना मतलब होगा क्या सुनो आपको पता है कि जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर डिक्रीज होता है ना बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है ना। अरे भाई जितना ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट उतना कम होगा पार्शियल प्रेशर तो डेफिनेटली यहाँ पर पार्शियल प्रेशर कम हो रहा मतलब बॉइलिंग पॉइंट किसका HNO3 का इंक्रीज कर रहा
है ना, तो इंक्रीज करते 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 यहां पहुंचा, ठीक है। और इस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद, इस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद, इसको नीचे ले लेते हैं थोड़ा सा, इस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद अब क्या हो रहा, इन दोनों ग्राफ को मिला के मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, है ना, किताब में नहीं मिलेगा ऐसे, है ना। देखो फील आना जरूरी है ना, अभी बात करेंगे थोड़ी सी और इसके बाद, सुनो मेरी बात सुनो। मैंने क्या कहा कि जैसे जैसे HNO3, जैसे जैसे जो HNO3 का या टोटल वेपर प्रेशर है वो डिक्रीज करेगा, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा, अब इस पॉइंट के बाद वापस से टोटल वेपर प्रेशर इंक्रीज करना शुरू कर गया, है ना, टोटल वेपर प्रेशर इंक्रीज करना शुरू कर गया, मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट अब डिक्रीज करना शुरू कर गया, ठीक है। तो यहां आने के बाद ये कुछ इस तरह जाएगा, ठीक है, कुछ इसी तरह का ग्राफ बनेगा आगे जाके, है ना, इसी तरह का ग्राफ बनेगा। अब सुनो सिमिलरली H2 जैसे जैसे मिला रहा हूं, जैसे H2O मिला रहा हूं, वैसे वैसे H2O का मोल फ्रैक्शन भी, H2O का प्रेशर भी, ये टोटल डिक्रीज कर रहा है, H2O का प्रेशर, पार्शियल प्रेशर भी तो डिक्रीज करता है, ठीक है, P टोटल इसकी वजह से भी तो डिक्रीज करता है, क्लियर हो गई बात मेरी, इसको मिलाने की वजह से, है ना। तो इसका मोल फ्रैक्शन जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे इसको यहीं तक रखते हैं ना, ग्राफ ठीक से दिखेगा नहीं, वैसे वैसे H2O का इधर से देखेंगे, वैसे H2O का बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज करने लगेगा, इंक्रीज करने लगेगा, एक्चुअली H2O का बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करने लगेगा, आई एम वेरी सॉरी, और कुछ इस तरह आएगा, क्लियर हो गई बात मेरी। H2O का बॉइलिंग पॉइंट यहां तक इंक्रीज करने के बाद वापस डिक्रीज होने लग जाएगा, क्लियर हो गई बात मेरी। यानी कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर आएगा जब दोनों सेम टेम्परेचर पर बॉइल करना शुरू कर देंगे, जब दोनों सेम टेम्परेचर पर बॉइल करना शुरू कर देंगे, ठीक है। और इस पर्टिकुलर पॉइंट को अब इन दोनों का हम बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे, क्लियर है। अब दोनों ये पर्टिकुलर पॉइंट पर बॉइल होना शुरू कर देंगे, ना ही इसके टेम्परेचर पर बॉइल होगा, ना ही इसके टेम्परेचर पर बॉइल होगा, क्लियर हो रही है बात मेरी, ठीक है। और ऐसे मिक्सचर्स को हम क्या कहेंगे, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजोट्रोपिक मिक्सचर, क्लियर है बात मेरी। आपको दोनों के एग्जाम्पल्स याद रखने हैं, नेगेटिव के भी और पॉजिटिव के भी, दो ही एग्जाम्पल एनसीईआरटी में गिवन है, इसके अलावा भी हो सकते हैं, पर देखो डेटा याद रखना पड़ता है इनको याद रखने के लिए, तो इन दो एग्जांपल को ही वो घुमा फिरा के पूछता है ज्यादातर, ठीक है, क्योंकि डेटा याद रखने की हमारी केमिस्ट्री नहीं कहती कि आप डेटा भी याद रखो, है ना, इन दो एग्जांपल का आपको डेटा याद रखना पड़ेगा, मतलब कंपोजिशन याद रखना पड़ेगा, क्लियर होती है बात मेरी, ठीक है। एक बार मैं फिर से समराइज कर दूं बेटा, है ना, देखो हुआ क्या है, सुनो, मेरे को पता है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, पर मैंने ग्राफ के थ्रू पूरी कोशिश की कि आपको समझ में आए, अभी भी नहीं आया तो आप मेरे से एक बार कह दें, है ना, मैं एक और वीडियो बना दूंगा इस पर, है ना, अगर अभी भी आपको कोई कॉम्प्लिकेशन लगे इसमें। अब मेरी बात आप सुनो, एज़ोट्रोपिक मिक्सचर्स वो मिक्सचर्स होते हैं जो सेम टेम्परेचर पर बॉइल होते हैं, क्लियर होती है बात मेरी, ठीक है। कब होगा, जब कंपोजिशन फिक्स होगा, दो तरह के, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट और मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अब समझोगे, समझो किताब में इतना लिखा हुआ है कि कोई रीजन नहीं दिया, किताब में इतना लिखा हुआ है एनसीईआरटी में कि भैया एक काम करो, आप लोग एक नेगेटिवली डेविएटेड सॉल्यूशन ले लो, नेगेटिवली डेविएटेड सॉल्यूशन ले लो, जैसे अपन ने लिया था अभी HNO3 और वाटर का, ठीक है। अब जब आप नेगेटिवली डेविएटेड सॉल्यूशन लोगे तो वेपर प्रेशर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, सर वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा, रीजन क्योंकि बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे, क्लियर है बात मेरी। अब जब वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा, क्लियर है बात मेरी, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा, इसलिए नेगेटिव डेविएटेड सॉल्यूशन को हमने क्या कहा, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एज़ोट्रोप्स। सिमिलरली अगर कोई आपने पॉजिटिवली डेविएशन वाला ले लिया नॉन आइडियल सॉल्यूशन, तो उस केस में क्या होगा, उसमें डिक्रीज करने लगेगा बॉइलिंग पॉइंट जो होगा, क्लियर हो गई बात मेरी, ठीक है। और यानी कि उसमें हम कौन लेंगे, C2H5OH और H2O जैसे मिक्सचर्स, क्लियर हो गई बात मेरी, ठीक है। तो ये कहानी थी एज़ोट्रोपिक मिक्सचर्स की, आराम से इस वीडियो को देखना, बहुत आराम से, है ना, थोड़ा सा कम कंसेप्चुअल टॉपिक है, अभी भी आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे एक बार जरूर बोल दें, ठीक है, मैं इसको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है, थैंक यू।